समंदर में डाल देते लाश, किसी को नहीं मिलेगी। क्राइम पेट्रोल वाले अनुप सोनिया ना, उनके साथ मेरा फोटो खिंचवा दो ना। ऐ देखो मेरा बीवी सुंदर है ना, मैंने ऐसा देखा, सच बताऊं तो मुझे देखा ही नहीं गया। पता क्या चक्कर चल रहा है तेरा वसीम के साथ? चलो बॉडी पलटो। सर लाश पूरी तरह से सड़ चुकी है, चेहरे को भी बुरी तरह से खुश लग गया है। जेबें चेक करो, शायद पहचान के लिए कुछ मिल जाए। सर सिर्फ ट्रेन का एक टिकट मिला है, 21 नवंबर का, अंधेरी से बोरीवली। चलो शुरुआत करने के लिए कुछ तो मिला, अब ये ट्रेन का टिकट ही इस केस का रूट तय करे। बॉडी बुरी तरह से सड़ चुकी है, मौत के बाद करीब 48 से 50 घंटे पानी में रही हो। 48 से 50 घंटे, मतलब हम ये मान के चले कि इसकी मौत लगभग 2 दिन पहले हुई होगी। हाँ बिल्कुल। आज है 23 नवंबर और हमें जो इसकी जेब से ट्रेन का टिकट मिला वो था 21 नवंबर का, मतलब इसकी मौत 21 नवंबर को ही हो गई होगी। हाँ, इसके सर को किसी भारी पत्थर से या ऐसे ही किसी चीज से कुछ लगे है। इसके ब्लड में अल्कोहल के ट्रेसेस भी मिले हैं और पेट में अनडाइजेस्टेड फूड। इसके कपड़ों को देखकर लगता है कि ये किसी चौल या फिर ऐसी किसी मोहल्ले का रहने वाला हो। उम्र करीब 20 से 24 के बीच में थी, लड़का मुस्लिम है, खतना हुआ था। हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, यह सिर्फ विज्ञान का नियम ही नहीं बल्कि इंसानी फितरत भी है। अगर किसी इंसान का बर्ताव दूसरे इंसान को क्षति पहुंचाता है तो दूसरे इंसान की प्रतिक्रिया भी उतनी ही हानिकारक होगी या फिर उससे ज्यादा। अक्सर इंसान अपने आप को मिली चोट का जवाब दुगनी चोट पहुंचाकर देने की कोशिश करता है। क्या इस अज्ञात लड़के की निर्मम हत्या भी ऐसी ही एक कोशिश थी? कौन था यह लड़का और उसे इतनी बेरहमी से क्यों मारा गया था? इस केस की शुरुआत में पुलिस के पास सिर्फ एक ही सुराग था, ट्रेन का एक टिकट। 21 नवंबर अंधेरी टू बोरीवली, और टिकट शाम को 4:15 पर निकाली गई। सर अगर हम 21 नवंबर की अंधेरी और बोरीवली स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज चेक करें तो शायद इस लड़के की झलक दिख जाए। ऑफ कोर्स शक्ल से पहचान नहीं होगी, कपड़ों को मैच करना पड़ेगा। मैं आरपीएफ से अंधेरी से बोरीवली के सारे प्लेटफॉर्म्स के ईस्ट और वेस्ट एग्जिट के फुटेजेस मंगवाता हूँ। और एक काम करो, अंधेरी से बोरीवली स्टेशन के बीच जितने भी पुलिस स्टेशन है सब में पता करो, 21 नवंबर से लेकर अब तक 20 से 24 साल के किसी मुस्लिम लड़के की मिसिंग रिपोर्ट फाइल हुई है क्या? दास्ताक आजा आजा, और कैसा है? ठीक, क्या हाल चाल? सर अंधेरी और बोरीवली स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज की कॉपीज आ गई हैं। दोनों सबब्स के सभी पुलिस थानों में फोन किया,
पर कहीं भी विक्टिम से मैच होती हुई कोई भी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई है। चलो सीसीटीवी फुटेज देखना शुरू करते हैं। सर ये देखिए, विक्टिम ने शायद इसी कलर की शर्ट और ट्राउजर पहनी थी। हाइट बॉडी भी मिलती है। ये बोरीवली फुटओवर ब्रिज का वेस्ट साइड एग्जिट का फुटेज है। मतलब एक काम करो, रिकन्फर्म करने के लिए विक्टिम के कपड़े मंगवाओ। सर कपड़े तो मैच कर रहे हैं। लगता है वही लड़का है जिसकी लाश हमें मिली है। 4:48 पर यह बोरीवली स्टेशन से निकल रहा है और 4:15 पर इसने अंधेरी स्टेशन से टिकट लिया था। मतलब टिकट लेने के तुरंत बाद ही इसने ट्रेन ली होगी और ये बोरीवली आ गया होगा। सर एक बात और, ना तो टिकट से ये पता चल रहा है कि इसका अमाउंट क्या है और ना ही ये पता चल रहा है कि ये टिकट एक ही पैसेंजर की है या दो की। मेरा मतलब है ये लड़की इस लड़के के साथ अंधेरी से ट्रेन में आई होगी या बोरीवली स्टेशन पर इसे मिली होगी। लाश की शिनाख्त करने के लिए इस लड़की को ढूंढना बहुत जरूरी है मानव। ये लड़की या तो अंधेरी की रहने वाली है या बोरीवली की, या फिर इन दोनों के बीच के उपनगरों की। मानव एक काम करो, ये फोटो दो और अपने खबरियों को काम पे लगा दो। मैंने तुझे बोला है ना, तेरा ये फोन के आगे शक्लें बनाना पसंद नहीं है मुझे। पूरा दिन इसके आगे मुंह मारती रहती है। मैं कोई फोटो नहीं ले रही थी, मैं बस अपना चेहरा देख रही थी। चुप कर, तू मुझे उल्लू समझती है? हाँ आईना है ना घर में, तो इसमें क्या शक्ल देखने की जरूरत है तुझे? तो क्या कहते हैं, सेल्फी सेल्फी ले रही थी ना तू? सुन दोबारा अगर तुझे इसके आगे मुंह बनाते हुए देखा मैंने तो मैं तेरा मुंह तोड़ देगा, समझ गई? चल। कहीं दिखा फरीद? नहीं दिलावर, अभी तक तो किसी का पास नहीं दिखा फोटो। सब मेरा गलती है फरीद, बहुत नाज था ना मुझे अपनी बीवी पे, सबको बताते फिरता था देखो मेरा बीवी कितना खूबसूरत है, सबको उसकी फोटो दिखाते फिरता था। मुझे पता नहीं था कि कोई ऐसी खुराफात भी कर बैठेगा। 2 महीने पहले सितंबर 2014 दिलावर का दोस्त फरीद सुबह सुबह उसकी दुकान पर आया था उसे एक जरूरी बात बताने, जिसे सुनकर दिलावर के होश उड़ गए थे। अरे फरीद सुबह सुबह इस तरफ? दिलावर तुमसे कुछ बात करना था, इधर आना। अरे ऐसा भी क्या रास का बात करना है फरीद मियां? लो आ गया। दिलावर दोस्त हूँ इसीलिए सीधे सीधे पूछ रहा हूँ, तेरा और अमरीन भाभी के बीच में सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, पर तू ये सब क्यों पूछ रहा है? यार मैंने कुछ ऐसा देखा, सच बताऊँ मुझसे देखा नहीं गया। क्या देखा? क्यों मार मुझे? मैंने क्या किया? ये हया मुझसे पूछते तूने क्या किया? तेरे को शर्म नहीं आती ऐसा नंगा फोटो खिंचाते हुए? कौन सा फोटो, क्या बोल रहे हो आप? तू खुद ऐसा बेहुदा फोटो खींच के समय बांटती है या कोई और आता तेरा ऐसा फोटो खींचने के लिए? आप क्या बोल रहे हो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। नाटक मत कर मुझसे, फरीद ने खुद देखा है तेरा नंगा फोटो। मैंने कोई फोटो नहीं खिंचवाई। फरीद मेरा दोस्त है,
वो मुझसे झूठ नहीं बोल सकता। झूठ बोल रहा है वो। कहाँ देखी उसने मेरी फोटो? कौन सी फोटो? मुझे भी बताओ, मुझे भी देखनी है फोटो कौन सी है। अरे गैर मर्द, तेरा नंगा फोटो देख रहे हैं वो, क्या कम है जो तू भी देखना चाहती है? अगर उसने वो फोटो ये इंटरनेट से इंटरनेट पे डाल दी ना फरीद, तो मैं उसकी जान ले लूंगा। देख दिलावर, गुस्सा से काम सिर्फ बिगड़ेगा। ये इंटरनेट ना बड़ा खतरनाक चीज है। एक मिनट में कोई भी बात पूरा दुनिया तक पहुंच जाता है। यदि मान तो तू उसे प्यार से समझा। अरे क्या समझाओ यार उसे, फोन तो बंद करके बैठा है, ले तेरे सामने लगा था। The number you have called is currently switched off. फोन बंद करके बैठा हो। साहब लड़के का तो अभी तक पता नहीं चला है, बाकी लड़की की कुंडली मिल गई है। कौन है वो लड़की? काजल नाम है उसका, अक्सर बार में वेट्रेस का काम करती है। सब सर, ये काजल लोखंडी अल्ताफ चौल में रहती है और अक्षरा बार में काम करती है। अब देखना ये है कि फुटेज में जो लड़का काजल के साथ है, क्या ये वही लड़का है जिसकी हमें लाश मिली है? जी काजल लोखंडे। जी मैं ही हूँ। इस लड़के को पहचानती हो? 21 तारीख को तुम्हारे साथ था बोरीवली स्टेशन पर। हाँ, लेकिन आप कौन है? क्राइम ब्रांच। साहब वो वसीम है। इस वक्त कहाँ मिलेगा वसीम? साहब पता नहीं, मेरी भी उससे 4 दिन से बात नहीं हुई है, उसका फोन बंद आ रहा है। मतलब 21 तारीख के बाद से तुम उससे नहीं मिली, तुम्हारी बात भी नहीं हुई? जी साहब। पूरा नाम क्या है वसीम का? वसीम अहमद। कैसे जानती हो वसीम अहमद को? साहब वो मेरा दोस्त है। पर क्यों साहब, उसने कुछ लफड़ा किया है? काजल हमें क्लास मिली जिसका चेहरा बुरी तरह से कुचला गया है। बॉडी पर जो हमें कपड़े मिले हैं वो कपड़े वसीम के कपड़ों से काफी मैच करते हैं। ये लड़का 4 दिन पहले मारा गया है और तुम कह रही हो कि वसीम का फोन भी 4 दिन पहले से बंद है, तो इस बात के पूरे चांसेस हैं कि वो लाश वसीम की है। लाश की शिनाख्त के लिए तुम हमारे साथ चलना। साहब लग तो रहा है कि वसीम के ही कपड़े हैं, उस दिन उसने ऐसे ही रंग की शर्ट पहनी थी। लाश 2-3 दिन पानी में रही है इसलिए काफी सड़ गई है, फिर भी देखो पहचान सकती हो क्या? साहब इसका तो चेहरा ही पहचान में नहीं आ रहा है, मेरे को नहीं पता ये वसीम है या नहीं। तुम इसकी फैमिली, रिश्तेदार या फिर किसी दोस्त को जानती हो? नहीं साहब, मैं उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती, वो बस मेरे बार में आता था। खर्चा करता था मुझ पे, घुमाने ले जाता था, हम साथ में टाइम बिताते थे, पैसे देता था उसके। अरे कितनी जल्दी रहती है ना तुझे। बिल्कुल सब जिंदगी 3G के इसमें भाग रही है, तो अपने को भी भागना पड़ेगा ना। अच्छा साहब हम कुछ समय साथ में बिताते थे, फिर वो मुझे घर छोड़ देता था, मैंने कभी कुछ ज्यादा उससे पूछा नहीं, उसके नाम और नंबर के अलावा मैं कुछ भी नहीं जानती उसके बारे में। नंबर दो उसका। 444-567-898। काजल कुछ आइडिया है वसीम कहाँ रहता है, किसके साथ रहता है? नहीं साहब, बस इतना पता है कि अंधेरी में रहता है, रहता था। साहब मेरे को नहीं पता कि ये वसीम है या नहीं, और सर अगर ये वसीम है भी तो इसको किसी ने क्यों मारा, मेरे को कुछ भी नहीं पता साहब। सर फोन वसीम अहमद के नाम पर ही रजिस्टर्ड है, उसका एड्रेस है 12/40 राजीव नगर अंधेरी वेस्ट। वसीम खुद विक्टिम है इसलिए एड्रेस गलत होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। मूव।
सुनिए, ये वसीम अहमद यहीं रहता है? हाँ यही रहता है। ताला कब से लगा है? 3-4 दिन हो गए, देखा नहीं उसको मैंने। और कौन रहता है उसके साथ? उसके साथ उसके दो दोस्त रहते हैं। मना, ताला खुलवाओ। सर। कपड़े तो एक ही आदमी के लग रहे हैं सर, शायद वसीम के ही हैं। बाकी के दोस्त अपना सामान लेकर निकल गए होंगे शायद। इस वसीम के रूममेट से मिलना होगा, पता करते हैं वो दोनों दोस्त कौन हैं जिनके साथ वसीम रहता था। वसीम के दोस्तों के नाम हमको नहीं मालूम साहब, आप बशीर भाई से मिल लो, क्योंकि ये खोली वही उनको भाड़े पे दिए थे। वसीम अहमद, मुश्ताक अंसारी और उस्मान सिद्दीकी, तीनों साथ ही में रहते हैं साहब। उस्मान और मुश्ताक कहाँ हैं? मुझे नहीं मालूम साहब, मैं तो मकान मालिक हूँ, महीने की चौथी को भाड़ा लेने के लिए जाता हूँ। वैसे हुआ क्या साहब? हमें लगता है वसीम का किसी ने कत्ल कर दिया। हमें कोई शनाख्त करने वाला चाहिए जो पूरे यकीन के साथ कह सके कि मरने वाला वसीम ही है। या अल्लाह, ये सब कैसे हुआ, कब हुआ साहब? सब बताएंगे, लेकिन पहले आपको हमारे साथ आना होगा शनाख्त के लिए। वसीम तीनों के बारे में कुछ और भी जानते हैं आप? नहीं साहब, मैं तो बस इतना जानता हूँ कि तीनों सीधे साधे लड़के हैं, एक बॉक्स बनाने वाली फैक्ट्री में काम करते हैं। कहाँ है फैक्ट्री? साहब 21 तारीख के बाद वसीम काम पर आया नहीं, मैंने फोन भी किया था लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। या अल्लाह साहब, इसका तो चेहरा ही इतना बिगड़ा हुआ है कि ये पहचानना ही मुश्किल है कि वसीम है या नहीं। इसकी कदकाठी देख के कुछ बता सकते हो? नहीं साहब, ये बता पाना मुश्किल है, और वैसे भी वसीम से महीने में एक ही बार तो मिलता था मैं। को नंबर लगाओ। यस सर। द नंबर यू हैव कॉल्ड इज करंटली स्विच्ड ऑफ। सर, मुश्ताक का फोन स्विच ऑफ जा रहा है। उस्मान से दिखे का लगाओ। मुश्ताक अंसारी और उस्मान सिद्दीकी, ये दोनों भी 21 तारीख से नहीं आ रहे थे? हाँ साहब, दोनों ने 21 तारीख को आधे दिन की छुट्टी ली थी, उसके बाद दोनों आए नहीं। सर, ये उस्मान का नंबर भी बंद आ रहा है। मुझे इन तीनों के फोटो चाहिए। साहब, वो तीनों पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, कोई राय कच्ची करके गांव का नाम है इनका। वसीम, मुश्ताक और उस्मान, इन तीनों में से किसी के दोस्त या रिश्तेदार को जानते हो? मुश्ताक और उस्मान का तो पता नहीं, पर हाँ, वसीम का एक भाई है दूर का, मुनीर अहमद नाम है उसका, उसी के कहने पर तो वसीम और उसके दोस्तों को खोली दी थी मैंने। इस मुनीर का नंबर दो मुझे। हेलो, साहब ये वसीम ही है। कैसे हुआ साहब? वसीम मेरे चाचा का लड़का था साहब। उसे बेरहमी से मारा गया, चेहरा कुचल दिया गया, फिर लाश को समुद्र में फेंक दिया गया। जाहिर सी बात है, मकसद था कि लाश किसी को मिले ना, और मिल भी जाए तो कोई पहचान ना पाए। ऐसा कौन करेगा साहब, इतना जालिम कौन हो सकता है? हमें उसके दो दोस्तों पर शक है, मुश्ताक और उस्मान, ये दोनों उसके साथ ही रहते थे, फिलहाल गायब है। तुम कुछ जानते हो उन दोनों के बारे में? साहब, हम मिला है दोनों को, वो दोनों भी रायगाची का ही है साहब। कुछ साल पहले वो लोग यहाँ पैसा कमाने आया था, वसीम को भी वही लोग लाया साहब, उसको काम भी वही लोग दिलवाया था। सर, मुश्ताक और उस्मान, इन दोनों के फोन भी 21 तारीख की रात को ही स्विच ऑफ हुए थे। इन दोनों की लास्ट लोकेशन मड बीच थी, और वसीम की भी। अब ये बात और पक्की होती जा रही है कि वसीम की मौत के पीछे मुश्ताक और उस्मान ही है। मानव, एक काम करो, इन दोनों की फोटो अपनी खबरियों में बंटवा दो। सर, तुम इन लोगों से आखिरी बार कब मिले थे? साहब, वसीम से मिले तो 2 हफ्ते हुए, और मुश्ताक और उस्मान से मिले शायद 1 महीना साहब। वो लोग तीनों जब गांव से वापस आया था। और रायगाछी में घर पर सब कैसा है? सब भालो मुनीर भाई, वहाँ अम्मी अब्बू भी खुश हैं और मेरा भी यहाँ पे मस्त चल रहा है।
और मुश्ताक उस्मान तुम लोग घर में सब कैसा है? ठीक। मेरा भी ठीक। क्या वसीम का मुश्ताक और उस्मान से किसी बात को लेकर कोई झगड़ा था? नहीं साहब, वो तीनों तो बहुत अच्छा दोस्त था। लेकिन साहब अभी आप पूछा तो हमको ध्यान में आया, उस दिन जब हम मुश्ताक और उस्मान से मिला था वो दोनों कुछ उकड़ा उकड़ा हुआ सा था साहब, हमसे ठीक से बात भी नहीं किया। तुम्हारा काम कब से शुरू हो रहा है? कल से। तुम लोग का तीनों का दोस्ती अच्छा है, तीनों एक साथ जाता है, एक साथ आता है, एक साथ रहता है। बालो सही बोला मुनीर भाई। तुम आशनी ना? उस दिन मैंने वैसे भी ध्यान नहीं दिया साहब, क्योंकि कहाँ मेरा रोज उनके साथ उठना बैठना था। लेकिन साहब अभी ऐसा लग रहा है कि लोग किसी बात से नाराज था साहब। पुलिस के पास वसीम के दोस्त मुश्ताक और उस्मान पर शक करने के कई कारण थे। क्या उस रात वसीम मुश्ताक और उस्मान के साथ ही शराब पी रहा था? पूरब भाई ये लो आपका डिलीवरी। पूरब भाई आपका वो दोस्त है ना वसीम, उसका मर्डर हो गया। क्या? हाँ, चौल में सब लोग बातें कर रहे थे तब मैंने सुना। पुलिस भी आई थी उसके घर, और उसके जो दो दोस्त थे मुश्ताक और उस्मान उन पर शक है, दोनों भाग गए। राइट, चिन अप, स्माइल, वेरी गुड। पूरा दादा ये इन सब बड़ा लोगों के साथ इन सब का फोटो आप खींचा है? हाँ तो। लेकिन दादा ये इतना सारा हीरो हीरोइन क्रिकेटर लोग एक साथ किधर मिलता है? अरे इधर ही आते सब, इसी स्टूडियो में। मैं तो करता सबका सेटिंग। सेटिंग बोला तो? सेटिंग बोले तो जोड़ दिया लोगों को। नहीं, हर किसी का कोई फेवरेट होता, हीरो हीरोइन क्रिकेटर, तो जिसको जिसके साथ जिस पोज में फोटो खिंचाना होता मैं खींच देता, समझा? मतलब ऐसा हो जाता है? और नहीं तो क्या। अच्छा तू बोल, तेरा है कोई अरमान है? तेरा ग्राउंड के सेटिंग? अरे पूरा भाई वो क्राइम पेट्रोल वाले अनुप छोनी है ना, उनके साथ मेरा फोटो खिंचवा दो ना, मैं भी ऐसे उंगली दिखा के फोटो खिंचवाएगा। चल तेरा सेटिंग करता है। ये तो एकदम ऐसा लग रहा है जैसे मैं अनूप सोनी के साथ खड़ा है। छोटे ये ही तो कमाल है अपनी सेटिंग का। इस फोटो की दुकान में ना सब गोलमाल हो सकता है, बॉडी किसी का, फेस किसी का। अच्छा? हाँ। अरे आजकल तो ये सब मोबाइल में हो जाता है, सीखना तेरे को। हाँ हाँ भाई सीखेगा ना। इसमें से एक को मैं जानता हूँ। किसे? इसे, इसका एक दोस्त है खालिद, उसी साथ कई बार यहाँ पे चाय पीने आता है। खोली गए खालिद की? खालिद जी, क्राइम ब्रांच, मुश्ताक को जानता है तू? जी जानता तो हूँ। पीछे की तरफ जाओ, भागना नहीं चाहिए। मुश्ताक, मुश्ताक दरवाजा खोल दे, तू भाग नहीं सकता है। दरवाजा खोल, मुश्ताक दरवाजा खोल दे वरना तोड़ दूंगा। अब तो तू ये बोल ही नहीं सकता कि वसीम के साथ जो हुआ वो तू जानता ही नहीं है। तेरा दोस्त उस्मान कहाँ है? सब सब मैं नहीं जानता। वो उस रात के बाद वो अपने रास्ते चला गया और मैं खालिद के घर। तुम दोनों ने ही मारा ना वसीम को? अबे यार रोज मेरे को भाषण देते हो और आज खुद फैक्ट्री जल्दी आ गया तुम लोग। वो क्या है ना, आज पार्टी करने का मूड है। क्या बोलता है? अबे भाई तू कब से सुधर गया और किस खुशी में पार्टी दे रहा है तू? वो क्या है ना,
मुश्ताक को नया काम मिल गया है, इस खुशी में पार्टी दे रहा है वो। भाई तब तो पार्टी बनती है, लेकिन तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया और कहाँ काम मिला है तुझे? भाई कितना दे रहे हैं? बताता हूँ तू चल तो सही, चल चल के मस्त समंदर के किनारे दारू पीते हैं। भाई मेरा बैटरी लो हो गया है, अब तो बता दे कहाँ काम मिला है तेरे को, कितना दे रहे हैं? इतना दे रहे हैं कि आज रात भर बैठ के पियेंगे ना तो भी कल वापस आके रात भर बैठ के पी सकते हैं। तू पी, पी। समंदर में डाल देते लाश, किसी को नहीं मिलेगी। ऐसा भी क्या गुस्सा था उससे जो तुम दोनों ने उसे इतनी बेरहमी से मार डाला? वो तो दोस्त था तुम्हारा। देख, ये हीरोइन है ना, देखा देखा, अब जादू देखना, इसका सारा कपड़ा गायब हो जाएगा। ये देखा, हर मस्त है ना, ये कैसे किया तूने? अरे भाई इस लड़की ने ना फोन करके मेरे को उसके घर पे बुलाया था, मैं गया उधर, फिर इसने अपने कपड़े निकाले और बोला कि मेरा फोटो निकाल। भाई उसके बाद ना अपने बेडरूम में लेके गई, उसके बाद पिक्चर शुरू, धन धन धन। अबे फेंकू, फेंकना बंद कर, सीधा सीधा बता कहाँ से सीखा तू ये खुराफात? अबे खुराफात नहीं, चमत्कार है, चमत्कार जादू। मैं किसी के भी चेहरे पे ना किसी को भी बॉडी फिट कर सकता हूँ, टेक्निक आता है मेरे को। हाँ ये देख, पतली कमर से कैसे पहलवान बनाया तेरे को। अरे पूरे भाई मानना पड़ेगा, मैंने तो बिना मेहनत किए सिक्स पैक हो गया। तेरे को बोला ना, जादू है जादू, बॉडी किसी का, फेस किसी का। पूरे भाई मैं भी एक बार ट्राई मारूं? ले। ये सब है ना ऐप का कमाल है, ऐप समझते हो ना तुम लोग? अरे मोबाइल में आता है रे, मेरे पास ना एक स्पेशल ऐप है, समझा? वसीम हम अपने घर से इतना दूर काम करने आए, पैसा कमाने, जिसमें अम्मी अब्बू का हाथ बटा सके, तू ये सब छोड़कर मोबाइल में और इधर उधर पैसे उड़ाता है। ये सब खुरापात करना छोड़ और काम पे ध्यान दे, तेरा दिमाग आजकल बहुत उल्टा चल रहा है। सुधर जा वसीम, सुधर जा, वो पूरब तुझे बिगाड़ रहा है, अब तो तू उसके साथ बार में भी जाने लगा है, और बार की लड़कियों के पीछे जो तू पैसे खर्च करता है वो भी हमें पता है। अबे यार मैं जिंदगी के मजे ले रहा हूँ, उसमें गलत क्या है? मजा कब लत बन जाएगी और तुझे किस रास्ते पे ले जाएगी ना पता भी नहीं चलेगा। अबे यार भाषण देना बंद करो तुम लोग, समझ में आया ना? मेरे को तो सिर्फ इतना पता है कि अपनी रात कैसे मस्त निकालनी, गरम गरम फोटो देख के। तुम लोगों को फोटो चाहिए तो बोलो, तू ही रख भाई अपने पास। अबे यार तुम लोग ना एकदम थकेले हो गए हो, जिंदगी का मजा लेना ना तुम लोगों को नहीं आता है, समझ में आया क्या? तुम्हारा दोस्त गलत रास्ते पर जा रहा था, तुम दोनों उसे रोकना चाहते थे लेकिन रोकने के बजाय उसे मार डाला, सिर्फ इसलिए कि वो तुम्हें गंदी फोटो बना के दिखाता था। सब हम जानते थे वो कभी नहीं सुधरेगा, उसे लत लग गया था, हमने कई बार समझाया उसे फिर थक के छोड़ दिया। तो फिर उसे मारा क्यों? उसने हद पार कर दी थी। कौन सी हद? ए देखो मेरा बीवी सुंदर है ना, अब तू फोटो दिखा रहा है, जब निकाह कर लिया तब तो हम लोगों को बुलाया नहीं तू। देख तू झूठ मत बोला, मुश्ताक को फोन किया था मैंने, कहा था तुम तीनों को निकाह पे आना है, बोला था कि नहीं मुश्ताक? अरे दिलावर वो क्या है कि ये हाँ, हाँ, हाँ। रहने दो, तुम तीनों तो बहुत बड़ा आदमी हो गया है, मुंबई रह के पैसा कमाने लग गया है तुम तीनों, नहीं वो क्या कहते हैं मुंबईया हो गया तुम तीनों। अरे ऐसा बात नहीं है दिलावर, मैं क्या बोलता हूँ, तू भी आ जा मुंबई, मुंबई का कपड़ा का बड़ा सा फैक्ट्री में तुझे नौकरी दिलाएगा, यहाँ से तो बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा वहाँ तुझे। अरे नहीं बाबा अपना यही ठीक है, सलीम भाई का दुकान अच्छा चलता है, उससे अपना भी अच्छा ही बनता है। सही बात है, अब तू क्यों जाएगा हम लोगों के साथ, अब तो तेरा भाभी को कहीं छोड़ के जाने की इच्छा ही नहीं होता होगा। दिलावर दादा
मैं क्या बोलता हूँ, तुम भी मुंबई आ जाओ, मेरी गारंटी है वापस नहीं जाओ। अरे इतना बड़ा बड़ा मॉल है ना, देख के पागल हो जाओ। और तो और तुमको मैं ना अपना थिएटर में पिक्चर दिखाएगा। तेरा थिएटर? मेरा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं समझाता हूँ, ये ना अपने मोबाइल में पिक्चर डाउनलोड करता है, हम लोग बैठ के देखता है। मोबाइल के मामले में इसका दिमाग बिजली से भी तेज दौड़ता है। ऐसा है क्या? एक काम करना वसीम, मेरा मोबाइल में भी डाल देना जो अच्छा पिक्चर है तेरे पास। 15 पिक्चर डाउनलोड किया है मैंने, 32 GB का मेमोरी कार्ड डाला है। 32 GB समझ में आता है क्या होता है? नहीं, एक काम करना, तेरे पास जो अच्छा पिक्चर है वो मेरा मोबाइल में भी डाल देना। वो क्या है, मैं और अमरीन साथ में देखेंगे, उसको ना पिक्चर देखने का बड़ा शौक है। अच्छा ठीक है, दो फोन दो। ले। दिलावर बेचारे ने उसे अपना दोस्त समझ के फोन दिया और उसने क्या किया था वसीम ने? यार मैंने कुछ ऐसा देखा, सच बताऊं मुझसे देखा नहीं गया। परी ने खुद देखा तेरा नंगा फोटो। झूठ बोल रहा है वो, कहां देखी उसने मेरी फोटो? कौन सी फोटो? मुझे भी बताओ, मुझे भी देखनी है फोटो कौन सी है। वसीम बड़े मजे से दिखा रहा था, हाँ अमरीन भाभी का फोटो, और वो सब फोटो बिना कपड़े का था। बता क्या चक्कर चल रहा है तेरा वसीम के साथ? ये क्या कह रहे हो आप, एक अरसा हो गया मैं वसीम से मिली तक नहीं, बल्कि वो तो हमारे निकाह में भी नहीं आया था। तो तेरा फोटो वसीम के फोन में आया कैसे, हाँ बता। सच सच बता वसीम, तेरा मेरी बीवी के साथ क्या रिश्ता है? यार कैसी बात कर रहे हैं, तेरी बीवी है यार वो। तो फिर मेरा बीवी का फोटो तेरे पास आया कैसे? देख वसीम, तू बिल्कुल मत समझना कि तू शहर में रहता है और ये क्या, ये मोबाइल चोबाइल चलाना जानता है तो तू मुझे बेवकूफ बना लेगा। अगर तेरा मेरा बीवी के साथ कोई लेना देना नहीं तो तेरे पास उसका फोटो आया कैसे? कौन सा फोटो? वही फोटो जो तूने फरीद को दिखाई थी, वो बिना बिना कपड़ों वाली। यार यार वो तो वो अमीन भाभी का फोटो नहीं है, वो तो नकली फोटो है, मोबाइल से बनाया फोटो है यार। वो क्या है ना कि चेहरा अमीन भाभी का है लेकिन बॉडी ना किसी मॉडल का है। लेकिन अमरीन का ही चेहरा क्यों, क्यों किया तूने ऐसा? अबे यार मैंने कुछ नहीं किया है, जो भी किया है ना उस्मान और मुश्ताक ने किया है यार। लेकिन उनके पास मेरी बीवी का फोटो कहाँ से आया? मैंने तो तुझे दिया था ना अपना फोन। अरे हाँ हाँ भाई सुन, देख मुझे ऐसा लगता है ना कि उस दिन जब मैं तेरे लिए पिक्चर्स ट्रांसफर कर रहा था ना तो तेरे मोबाइल के फोटोज मेरे मोबाइल में डाउनलोड हो गए होंगे, ऐसा हो जाता है ठीक है। और उस्मान और मुश्ताक मेरा मोबाइल लेते रहते पिक्चर देखने के लिए, तो तभी शायद उनके हाथ लग गया होगा। और जो भी हुआ है भाई मजाक मस्ती में हुआ है। ये मजाक लगता है तुझे? ये बहुत ही गिरी और घटी हरकत है तेरी। देख वसीम मैं तुझे आखिरी बार कह रहा हूँ, तू अमरीन की सारी फोटो अभी के अभी डिलीट कर दे, मेरी बहुत इज्जत है इस गाँव में, और अगर मेरी इज्जत उछली है वसीम मैं तुझे मार डालूंगा। अब यार मैंने कुछ किया ही नहीं है, तू बेकार में भड़क रहा है, जो भी किया उस्मान और मुश्ताक ने किया है। दिलावर कैसी बात कर रहा है, भरोसा नहीं है क्या हम पे? अरे भरोसे का बात तो तू कर ही मत मुझसे मुश्ताक, जो हरकत तूने और उस्मान ने किया है ना उसके लिए तो मैं छोड़ूंगा नहीं तुम दोनों को। मैंने और उस्मान ने कुछ नहीं किया, अरे हमें तो आता भी नहीं है मोबाइल में ये सब करना। हाँ दिलावर वसीम ही करता है ये सब गंदी हरकतें, उसने हमें खुद दिखाया था कैसे उसने हीरोइन की फोटो बदल दी और उसके कपड़े गायब कर दिए। भाई अपने मजे के लिए करता है यार वो सब। झूठ बोल रहे हैं वो लोग यार, मैंने कहा ना तुझसे जो भी किया उन्होंने किया है यार। देख वसीम बहुत हो गया, ये झूठ बोलना बंद कर तू मुझसे। अब सबको पता है ये मोबाइल का जानकारी सबसे ज्यादा तू चाहिए, इस सारी की सारी फोटोज डिलीट कर दे अभी के अभी और अपना गुनाह कबूल कर ले। अबे कौन सा गुनाह, अबे तेरे को तब से प्यार से समझा रहा हूं तुझे समझ में ही नहीं आ रहा है यार। अरे तेरे को जो करना है ना जाके कर ले, पुलिस में जाना है जा। अबे किया गलती उन दोनों ने और तू बिल मेरे ऊपर फाड़ रहा है। बात आगे मत बढ़ा, सबके लिए यही अच्छा है समझा। तू ये मत सोचना कि तू मुझे और मेरा बीवी को बदनाम करके शहर में ऐश कर लेगा। दिल्ली मुंबई या दुबई जहां भी होगा ना तू वहां के मारूंगा तुझे, याद रखना। धमका मत मेरे को, समझ में आया ना तेरे को, मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूँ। तेरी बीवी को शौक है ऐसा फोटो खिंचवाने का, उसको काबू में रख, उसको तो संभाल नहीं पाता और मेरे ऊपर चिल्ला रहा है। चल रख फोन। हम मुंबई वापस आ गए थे लेकिन दिलावर का फोन आता रहता, उसका दिमाग में वही बात चलता रहता था। हमने कुछ नहीं किया था साहब, लेकिन उस वसीम की वजह से हम लोग बेकार में फंस गया था। दिलावर कितनी बार कहूँ तुझसे, खुदा के लिए हमारा यकीन कर, हमने कुछ नहीं किया है भाई। ये मेरा और मेरा बीवी का इज्जत का सवाल है यार, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ वो फोटो डिलीट कर दे, वरना मैं तेरे अम्मी अबू को सब बता दूंगा, सारे गांव को बता दूंगा मैं, सबको पता चलेगा तुम शहर जाके क्या क्या करते हो। वसीम के घर वालों को बताना, हमें क्यों घसीट रहा है इन सब में, और हमारे अम्मी और अब्बू के सामने हमें बेइज्जत करने पे क्यों तुला हुआ है यार। तेरे को तेरी इज्जत की पड़ी है और यहाँ नाम मेरा मिट्टी में मिल रहा है, पता नहीं किस किस के मोबाइल में होगा मेरा बीवी का फोटो और कौन कौन देख रहा होगा।
और मैं जानता हूँ तेरे मोबाइल में भी है। अरे कोई फोटो नहीं है हमारे पास, तू क्यों नहीं समझ रहा है? वसीम ने बनाई है सारी फोटोज, उसके पास है सभी फोटोज। मैं सब जानता हूँ मुश्ताक, तुम तीनों पहले साथ में पिक्चर देखते थे और अब तुम ही तीनों मेरी बीवी का फोटो देखते हो। मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारे घर वालों को बताऊंगा, देख लेना तुम लोग। दिलावर हमारा बात ही नहीं सुन रहा था, बात और आगे बढ़ रहा था। यार ये वसीम कितना कमीना है, पहले दोस्त का बीवी के फोटो के साथ छेड़खानी करता है, फिर जानबूझ के वो फोटो फरीद को दिखाए, जबकि वो जानता है कि फरीद और दिलावर बहुत अच्छे दोस्त हैं। कितना बेगर है। पर हम क्या करें यार, वो तो सुधरने से रहा ना। वो सुधरे ना सुधरे, लेकिन हमारा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। उस बेशरम को बेइज्जती का क्या डर? एक बार ये फोटो इंटरनेट पे चला गया ना तो हमारा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। दिलावर हमें छोड़ेगा नहीं, पर वो हमारे घर जाके हमारे अम्मी और अब्बू को भी इसके बारे में बताएगा। यार मैंने भी वसीम को ट्रेन में बहुत समझाया था, अमरीन भाभी की फोटो डिलीट कर दे और दिलावर को फोन करके माफी मांग ले, मना कर दिया। एक काम करते, रात को जब वो सो जाएगा ना तो हम लोग ही उसका मोबाइल में से फोटो डिलीट कर देंगे। तुझे क्या लगता है, मोबाइल के अलावा और कहीं फोटो नहीं रखा होगा क्या? रखा होगा, देख लेना। मुझे एक ही बात का डर है, अगर मजाक मजाक में उसने इंटरनेट में फोटो डाल दी ना तो सब बर्बाद हो जाएगा। और इस वसीम पे तो मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है, वो दोबारा ऐसी हरकत कर सकता है। देख वसीम अपना हद पार कर चुका है, उसके दिमाग में ना गंद भरा पड़ा है, उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा ताकि दूसरी बार वो ऐसी हरकत ना करे। और हमने तय कर लिया कि उसके गंदे दिमाग को ही खत्म कर देंगे। मार दिया उसे और उसका मोबाइल भी तोड़ दिया ताकि उसके साथ ये सब खत्म हो जाए। तुम्हें पता है ये जो फोटो खींची जाती है मोबाइल से, इनका एक सोर्स होता है, और अगर उन फोटो को कोई बदलता है तो नई फोटो का नया सोर्स बनता है। अगर तुम इतना ही तंग आ गए थे वसीम से तो आते हमारे पास, पुलिस में कंप्लेन दर्ज करवाते, हम गिरफ्तार करते वसीम, और अगर वो झूठ भी बोलता ना तो बच नहीं पाता, क्योंकि हम अपने साइबर सेल से पता लगा लेते कि किस मोबाइल से फोटो खींची गई है या फिर किस मोबाइल से फोटो बदली गई है। साहब ये मोबाइल का सब हमें नहीं पता है साहब, हमें तो बस अपनी फिक्र थी साहब कि कहीं इन सब के चक्कर में हम ना फंस जाए। साहब उसने किया भी तो गलत ही था ना। मैं मानता हूं उसने जो किया वो गलत था, लेकिन तुम लोगों ने जो किया वो उससे ज्यादा गलत है। बदनामी से बचने के लिए तुम लोगों ने खून कर डाला, कौन सी इज्जत रह गई है? एक खूनी के मां बाप कहलाने का दुख पूरी जिंदगी उठाएंगे तुम्हारे बाबा। कैसा है भाई? वसीम के घर गया था, बड़ा बुरी हालत में है उसका अम्मी अब्बू, रोना रुक ही नहीं रहा उनका। वसीम का अम्मी अब्बू का दुख समझता हूँ यार मैं, लेकिन वसीम से ज्यादा मुझे उस्मान और मुश्ताक के लिए बुरा लग रहा है यार। उन दोनों का घर भी वही हाल है, उस्मान फरार है, लेकिन कब तक भागेगा? और अगर पकड़ा नहीं गया तो किस मुंह से गांव लौटेगा? यार फरीद मैं वसीम का मौत नहीं चाहता था, मैं तो बस इतना ही चाहता था कि वो अपना गलती कबूल कर ले और वो फोटो डिलीट कर दे, लेकिन वो नहीं माना। आखिर क्या मिला उसे ऐसी ओछी हरकत करके? तीनों दोस्त थे मेरे, उस्मान वसीम मुश्ताक। अरे कोई दोस्त अपने ही दोस्त के साथ ऐसा करता है क्या? हर मजाक की हर शरारत की एक हद होती है और होनी भी चाहिए, और खास तौर पर तब जब वो शरारत आज के मॉडर्न कम्युनिकेशन के जरियों से की जाए। टेक्स्ट मैसेजेस, पिक्चर मैसेजेस, एमएमएस आज के कम्युनिकेशन के ये आम साधन हैं, और इन मैसेजेस में चेहरों की अदला बदली करना, शब्दों की हेरा फेरी करना, बात का मतलब बदल देना काफी आसान है, लेकिन इसमें कसूरवार तकनीक नहीं बल्कि इंसान की सोच है जो उल्टी दिशा में अक्सर ज्यादा तेज दौड़ती है। जरूरत है कि इस पर लगाम कसी जाए। विज्ञान में एक्शन का एग्जैक्ट रिएक्शन संभव है, लेकिन जब बात इंसान के जज्बात और उसकी गरिमा से जुड़ी हुई हो
तो रिएक्शन किसी भी हद को पार कर सकता है। अगर कोई इंसान किसी की विकृत सोच की वजह से साइबर हैरेसमेंट का सामना कर रहा है तो यकीनन इस तरह के उत्पीड़न से जूझना आसान नहीं है, लेकिन जरूरी है कि अपने उत्पीड़न का बदला लेने के लिए क्राइम का नहीं बल्कि कानून का सहारा लें। साइबर क्राइम के खिलाफ पुलिस के साइबर सेल विभाग में शिकायत दर्ज कराएं। यही सचेत और सही तरीका है साइबर क्राइम से लड़ने का। क्राइम पेट्रोल सतर्क में आपसे फिर मुलाकात होगी अगले शुक्रवार को रात 10:30 बजे। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।